दोपहर को गर्मी बहुत तेज है भाई। हर हर महादेव जी भोलेनाथ भाई, आज हमारी कावड़ यात्रा का है 52वां दिन। गौमुख गंगोत्री से रामेश्वरम 3500 किलोमीटर की कावड़ यात्रा है और आज हमारा है 52वां दिन भाई। और हम रुके थे कर्नाटक में कुडलगी में। यहाँ पे हमने बिस्तर लगा रखे थे, सोए थे हम। यहाँ पे स्कूल है, स्कूल के ऊपर एक भाई साहब रहते हैं, इनके पास हमारा स्टे था भाई। हम निकलेंगे भाई, 5:30 हो चुके हैं, 5:45 उठे थे, नहा धो के आरती करके गंगा मैया की, और फिर अब निकलेंगे अपने सफ़र के लिए। आज निकालना है बहुत ज़्यादा, देखेंगे भाई पहुंच पाएंगे, क्योंकि जल्दी चलते तो शायद पहुंच पाते। तो पूरी वीडियो में बने रहिए। अभी जाना है 80 किलोमीटर जाना है, 78-80 किलोमीटर। तो आज फिर फास्ट चलना है, जल्दी चलते, लेकिन भाई साहब बोले यहाँ चीते भालू आते हैं, तो जंगली एरिया है तो जल्दी जा नहीं सकते। तो अब निकलेंगे भाई। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ जी। लो भाई, आज का सफ़र है बहुत लंबा, लगभग 80 किलोमीटर के राउंड है, और सुबह 6 बजे चले हैं। तो देखते हैं भाई मौसम कैसा रहता है, पहुंच पाते हैं नहीं पाते हैं, क्या रहेगा आज का, तो पूरे दिन में ही पता चलेगा भाई। अपना काम है सिर्फ चलना, लेकिन नेट पे मैप पे शो कर रहा है लगातार 17.5 घंटे चलना, मतलब 6 बजे चले हैं, 7 तो बज चुके हैं। देखो भाई कितना पहुंच पाएंगे, किस स्पीड से चलते हैं। मैप दिखाता है 4.5 पर किलोमीटर के हिसाब से पैदल में। लो भाई, 4-5 किलोमीटर कह रहा है। सवेरे चले थे खाली पेट, तो कोई अन्न खाना ज़रूरी है तो ही बिस्किट है अपना बैग में, तो बिस्किट खावा। हाँ, चाय की दुकान कोई भी कौन मिली, 5 किलोमीटर में कोई चाय की दुकान ना मिली भाई। कि भाग के देखेंगे यार कोई मिलेगी, फिर खा के चलाएँ। देखो भाई सुनसान जंगल टाइप का रोड है। जय भोलेनाथ भाई। अभी पट्टी डाल के और जूते डाल के अब चले हैं भाई, क्योंकि चप्पल में थोड़ा अच्छे से चला नहीं जा रहा, बिल्कुल घिस चुकी है भाई चप्पल। टिंकू लेके आज चल पड़ा है, वहाँ से 3-4 दिन में पहुँचेगा भाई हमारे पास। तो फिर डालेंगे, अभी डाल लिए हैं जूते, चाय पी के सुबह से 3-4 घंटे चल 20 किलोमीटर चलने के बाद चाय पी है, अब 20 और निकालना है भाई जल्दी जल्दी। जय भोलेनाथ। देखो भाई, एक इंग्लिश में और एक यहाँ की तेलुगु में, कुरलीलू मोला करमुरु चित्तर दुर्गा, मतलब या यू तो मिलता है लगभग भाई नामों के पीछे, और फिर ऐसे ऐसे नाम है समझ नहीं आता, वर्ड ऐसे जैसे जलेबी उतार रखी हो भाई यहाँ की लैंग्वेज में। जय भोलेनाथ भाई, हर हर महादेव। दोपहर को गर्मी बहुत तेज है भाई। अभी पीछे से हमारे निको भाई लाए हैं पल्पी ऑरेंज स्पेशल ठंडा भाई, यहाँ पे मतलब बहुत सारे होटल पे मिलता नहीं है कुछ भी भाई। अभी रोड के पास ही बैठ के ही पी रहे हैं, फुल मजा आ रहा है भाई। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ भाई। ये देखो भाई टी शर्ट का कलर, सारा कलर उड़ गया भाई। अभी पी है स्टिंग, टाइम हो चुका है 1:15। और ये देखो भाई यहाँ वो लग रही है, क्या कहते हैं, बस आगे रास्ते में, वरना ये क्या है पवन चक्कियों पे भाई बहुत खर्चा आता है। पवन चक्कियों पे यहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत लगा रखे भाई बहुत। और यहाँ पे बैठ के पी है स्टिंग, और अब निकलेंगे भाई। पावर स्कूल का नाम ही नहीं लिख रखा भाई बस के ऊपर, इनविजिबल स्कूल बनाई है। भाई ये डोगी बिस्कुट ट्रेन खतरा अपना बैग में बिस्कुट, तो इन्हें खुआ जाए। लो भाई, चारों तरफ पहुंच चुकियाँ, हजारों पहुंच चुकियाँ होंगी भाई। दूर तक देखे तो 100-200 तो सामने दिखाई दे रही हो भाई, पूरी पहाड़ों के ऊपर सब जगह।
और फिर भी यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो 5 रुपये, जैसे 15 रुपये कोल्ड ड्रिंक का, 20 कि 5 रुपये बोला इसको कूल ठंडा करने के, कूलिंग का 5 रुपया। गजब है भाई, इतनी पवन चक्कियाँ चल रही हैं फिर भी 5 रुपये कूलिंग के अलग से लेते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। भैया अभी दोबारा से है चाय का टाइम, अभी है चाय का टाइम भाई, बज चुके हैं 4 बज चुके हैं भाई। ले आ दिया, ले भाई नई चीज़ खाने के लिए मिली है कुछ, इसके अंदर पापड़ के अंदर किशमिश डाल रखी है, जो किशमिश होती है वो। लो भाई हो चुकी है शाम, नारियल के पेड़ और ये सूर्यदेव जी के नीचे, और सामने पहाड़, पहाड़ों पे पवन चक्कियाँ। पवन चक्कियाँ तो यहाँ इतनी है भाई, क्या बताएं, हर हर खेत में लगा हर खेत। ले भाई पहुंच गए आज के हमारे ठिकाने पे, और आज का हमारा यहाँ पे बाबा रामदेव नाम से होटल है भाई, चित्रदुर्ग से पहले, चित्रदुर्गा से पहले। और ये भाई साहब जी भी पहुंच गए हमारे स्वागत के लिए। अभी स्वागत बाद जय भोलेनाथ जी, हर स्पेशल काम है। जय भोलेनाथ, महादेव महादेव।